अल्लाह, तूने जिस तरह हज़रत इस्माईल आलम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा हजरत ईसा को सूली पे महफूज़ रखा हज़रत इब्राहीम को आग से महफूज रखा हज़रत मूसा सलाम को फ़िराउन के हमले से महफूज रखा हज़रत यूनसम को मछली के पेट में महफूज रखा हज़रत नूह को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा या अल्लाह ऐसे ही अपनी रहमत खास से मेरी इन दुआओं को कबूल कर ले इसको सुनने वाले और उनके तमाम घर वालों को हर मुसलमान मोमिन को हर शर से हर मुसीबत से हर एक दुख दर्द आजमाइश फ़िक्र रंज गम अफलास तंगी से बेबरकती कर्ज़ मर्ज़ भूख बीमारी इमराज हर परेशानी औलाद के दर्द गम से और हलाकत वाली मौत से महफूज रखना और आफियत राहत सुकून सुख चैन इत्मीनान, बुरदबारी और नेक आमाल में मुस्तकिल मिजाजी के साथ ईमान बंदगी वाली और बरकतों वाली आसानियों वाली खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाना शहादत की मौत शादत की जिंदगी नसीब करना सच्चा पक्का नमाजी मोमिन बनाना आए मेरे मालिक औलाद को साले और मतकीियों का इमाम बनाना दुनिया व आखरत की तमाम भलाइयाँ जो तूने अपने ख़ास बंदों को अता की हैं अए अल्लाह वो हमें भी दे पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे दीन के लिए कोशिशें हो रही हैं उनकी मदद फरमा इस्लाम का गलबा अता कर हमारे मुल्क में इस्लाम का बोल बाला कर दे जो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं उनके अखलास को कबूल कर ले अए अल्लाह ताला। किसी का मोहताज ना करना सिर्फ अपना मोहताज रखना नेमतों के जवाल से बचा लेना अय नेमतों के देने वाले दुनिया व वा आखरत की तमाम नेमतों से नवाजना हिसाब ना लेना हर तरह की बीमारी महताजी मज़ूरी से बचा लेना मरते दम तक अकीदा दुरुस्त रखना ईमान पर कलमे वाली मौत देना मौत का वक्त आसान और थोड़ा हो अये माल के दो जहां कब्र की मंजिलें आसान करना हशर की सख्ती से बचा लेना अए मेरे मालिक अए मेरे पाक रब अए आए ऐबों पर, पर पर्दा डालने वाली ज़ात उस दिन हमारे ऐबों पर पर पर्दा डाल देना और हम तुझ से तेरी रहमत का वास्ता देकर मांगते हैं कि अपने महबूब के सामने शर्मिंदा होने से बचा लेना और उन्हें हमारी वजह से शर्मिंदा होने से बचा लेना आमीन या रब्बल आलमीन इस दुआ को रोकिए नहीं गर्दिश में रखिए इस यकीन के साथ के सबकी आमीन के साथ इन हमारी दुआएं भी कबूल होंगी जजाकल्ला खैरा